25 साल से एवरेस्ट पर पड़ा है ITBP जवान का शव, जानिए उसके ग्रीन बूट्स का क्या है रहस्य। जी आज मैं आपको बताऊंगी कि पूरा मामला क्या है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल बिहार टॉप में, और मैं हूं आपके साथ मनीषा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आपको वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाना है और अपने राय और सुझाव में लिखकर जरूर भेजना है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक चोटी है। पहली बार 29 मई 1953 को दो लोग ने इस चोटी को फतह किया था, जिनका नाम है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे था। इसके बाद से एवरेस्ट पर पहुंचने वालों की लिस्ट लंबी होती चली गई। हर साल अप्रैल के अंत या फिर मई में यहां पर बड़ी संख्या में पर्वतारोही पहुंचते हैं। माउंट एवरेस्ट खूबसूरती के साथ ही कई राज भी समेटे हुए है। एक ऐसी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नेपाली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक माउंट एवरेस्ट की चोटी से 200-300 मीटर नीचे एक शव 25 साल से पड़ा है। ये शव शिवांग पेल्जोर का है। माउंट एवरेस्ट पर पड़े शव के बारे में पर्वतारोही बताती हैं कि उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई थक कर सो रहा हो। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो ये जान नहीं पाएंगे कि वो एक लाश है। जी हाँ, इस शव की पहचान पर्वतारोही उसके हरे जूते से करते हैं, जिस वजह से शिवांग अब ग्रीन बूट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। कोई उसको देखकर डर जाता है तो कोई वहां बैठकर फोटो खिंचवाता है। ग्रीन बूट के नाम से चर्चे शव ITBP जवान और भारतीय पर्वतारोही शिवांग पेल्जोर का है। वो 10 मई 1996 को अपने साथियों के साथ माउंट एवरेस्ट को फतह करने निकले थे। इस दौरान बर्फीली तूफान आया और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत पर आज भी विवाद है। कुछ पर्वतारोही कहते हैं कि पेल्जोर बर्फीले तूफान में बच सकते थे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। बर्फीले तूफान के बाद वो उनका एक साथी मदद की गुहार लगाते रहे। वहाँ कोई पर्वतारोही मौजूद थे, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करना चाहता था। किसी ने उनकी मदद नहीं की। तब से लेकर आज तक उनका शव वहीं पर पड़ा है। शिवांग की मां ताशी एंगमो ने आज भी ITBP से कई शिकायतें की हैं। 2016 में उन्होंने BBC से बात करते हुए कहा था कि ITBP ने शुरुआत में उनको सही जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि उनका बेटा एवरेस्ट पर लापता हो गया है। कई दिनों तक वो लद्दाख में ITBP के दफ्तर का चक्कर लगाती रही। बाद में पता चला कि उनके बेटे का शव एवरेस्ट पर ही पड़ा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर के करीब है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन बहुत ही कम हो जाता है, जिस वजह से दिमाग और फेफड़े नशे फटने लगती हैं। एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा मौतें 8000 मीटर के ऊपर वाले हिस्से में ही होती हैं, इसलिए इसे डेथ जोन भी कहते हैं। तो वहीं बर्फीले तूफान भी कई पर्वतारोही की जान ले चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 तक 308 पर्वतारोही की मौत एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान हुई है। उतनी ऊंचाई से शव को लाना नामुमकिन है, इसलिए ज़्यादातर पर्वतारोही अपने साथियों की लाश वहीं छोड़ आते हैं। एवरेस्ट पर समान तापमान -16 से -40 तक रहता है, जिस वजह से ये एक डीप फ्रीजर की तरह काम करता है और लाशें सड़ती नहीं है। इन लाशों की पहचान पर्वतारोही कपड़ों और जूते से करते हैं, साथ ही लाशों की मदद से अब रास्ते की पहचान होने लगी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा, लेकिन इन सब पर आपकी क्या राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपकी राय मैं जनता और सरकार तक पहुँचाती हूँ। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, ताकि उनके जवाब भी हम तक पहुँच रहे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे लाल बटन को दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट आपको मिलती रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ।